नीचे बैठ जाना बता पाऊंगी मैं कितना स्पेशल है मेरे लिए बर्थडे आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड एज आई से आई एम वेरी लकी एंड वेरी ब्लेस्ड सो या आई एम वेरी हैप्पी कि सीक्रेट सुपरस्टार को बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे इतना प्यार सबसे पहले तो मुझे मम्मा ने विश किया और आमिर सर अभी मैं उनको शाम को मिलूंगी वो यार बहुत देर तक कल शूट था ही स्लीपिंग राइट नाउ अभी तक पर आई मीट हिम शाम को एनी स्पेशल प्लान्स फॉर द बर्थडे हम मैं और अजय ताज दोनों हम लोग थिएटर्स जाने वाले हैं जो हम रोज करते आए हैं आज तक जब से फिल्म रिलीज हुई है सो हम लोग और 300 बार फिल्म देखेंगे आज अलग अलग थिएटर्स में जाके अगर पहली फिल्म डायरेक्टर के तौर पर किस तरीके का रिस्पांस और आपकी लीड एक्ट्रेस का जन्मदिन किस तरीके से सब कुछ देखते हैं यार बहुत एक्साइटिंग है आई कांट बिलीव एक्चुअली ये सब हो रहा है मेरा बहुत बिलीव कर रहा हूँ बाकी सब थोड़ा सरियल है वीकेंड पे इतने बड़े नंबर्स एंड द फैक्ट दैट इट्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड अ हिट ऑन द वीकेंड इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी यार बहुत मजा आ रहा है अगेन वी आर गोइंग टू वॉच द फिल्म टुडे आई वॉज वॉचिंग इन दैट डे विथ हर यार गाने पे सीटी बज रही है यू नो जब जब ज़ारा गाना शुरू कर देती है तब तालियां बज रही है तो मेरे लिए आई कांट बिलीव इट इट्स लाइक अ गूज बम्पी फीलिंग फॉर मी टू सिट इन द ऑडियंस 600 लोग पूरा हाउसफुल बैठ के पिक्चर देख रहा है और ताली बज रही है तो वेरी एक्साइटिंग वेरी एक्साइटिंग अरे पूछने देना शादी डॉट कॉम मुझे आई थिंक इतने मैसेजेस दंगल के टाइम भी नहीं आए थे जितने अभी आ रहे हैं पीपल आर यस बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और जम्मू में थिएटर जो है वहाँ पे टिकट मिल ही नहीं रही है इतने लोग वहाँ हाउसफुल हो गए मतलब जो मेरे फ्रेंड्स देखने गए हैं उनको टिकट्स भी नहीं मिल रही है सो इट्स वंडरफुल जाहिर है एवरी टाइम यू सेलिब्रेट योर बर्थडे हाउ इज इट दिस टाइम हाउ डिफरेंट इज इट यूजुअली अमेरिकन सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे लाइक दिस ओह इट्स फन पर एक्चुअली मैं इट्स वेरी मैं खुश भी हूँ पर दुखी भी हूँ बिकॉज इट्स कमिंग टू एन एंड द जर्नी इज कमिंग टू एन एंड द फिल्म इज नॉट आवर्स एनी मोर ऑडियंस की होगी अब सीक्रेट सुपर स्टार इज नॉट आवर्स एनी मोर First of all, happy birthday. You know, I remember interacting with you before the release where you said that more than the numbers, what you care about is how the audience reacts to the emotions. And since you have been to the theaters and audience are emotionally reacting, how does that mean? Do you think that is how people are achieving the numbers because the people are connected to the emotions
as well of your absolutely character. It's definitely the emotion. In fact हम लोग जहाँ भी गए थिएटर्स में, व्हेन पीपल कम एंड टेल मी कि मुझे हमें बहुत अच्छी लगी फिल्म, सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क देम, इवन मेरी जो अम्मी है मेहर, वो भी पहला सवाल जो पूछते हैं वो ये है कि आप रोए क्या. हम लोग पहला सवाल यही पूछते हैं जब पीपल, व्हेन पीपल कम एंड टेल अस कि हमें फिल्म बहुत अच्छी लगी, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी आस्क देम इज आप लोग रोए क्या फिल्म में. सो इट्स वेरी गुड. Actually, that's the exciting part, is that people are coming out saying we laughed, we cried, we enjoyed, we clapped. So the fact that we could give them an experience like that, and jahan jahan hame laga ki log hansenge wahan hans rahe hain, you know, to wo dekh ke bahut maza aa raha hai, that people are enjoying Amir sir's character so much, they're having fun with the film also. And you know, adding to that question, was it a conscious effort on your part in the promotion to keep the domestic violence aspect away, because you know that is in a way a dark topic. See, the thing is, the story is actually about this girl and her dreams. The core of this film is dream dekhna to basic hota hai, and how a girl dreams and works towards getting her dream come true, and which is the part that we highlighted in the promotion as well. नहीं, एक्चुअली होता क्या है, एट आमिर खान प्रोडक्शन स्पेशली जब से हम फिल्म बनाना शुरू करते हैं, ये प्रोसेस चलते रहता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे हम बेटर कर सकते हैं, कैसे हम फिल्म को बेटर कर सकते हैं, कैसे बैक, तो ये चलते रहता है. और जब तक ये प्रोसेस खत्म नहीं होता तक तब आमिर सर फिल्म रिलीज होने ही नहीं देते. तो एट द पॉइंट कि हमने डिसाइड किया कि हम फिल्म रिलीज करेंगे, बिकॉज वी हैड रीच्ड द पॉइंट कि अब हमें लगा कि हम इस फिल्म से बहुत खुश हैं, अगर नहीं होते तो हम उसको आमिर सर रिलीज करने ही नहीं देते. तो I guess Amir sir and the team must have felt that this film has potential to do well abroad, and I think it's doing really well. So I think shayad isliye promotions ki. Last question. उन्होंने फिल्म देखी, मुझे रात को 2 बजे उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि आई लव द फिल्म सो मच, एंड यू नो ही स्पोक टू मी इन डिटेल अबाउट सम सीन्स दैट ही रियली लाइक्ड. ही लाइक्ड द लैपटॉप सीन, ही रियली लाइक्ड द क्लाइमैक्स, ही रियली लाइक्ड द स्पीच एट द एंड. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि राजकुमार हिरानी, जिनका काम देख के मैं बड़ा हूँ, जिनको मैंने ट्राई किया है जिनका स्टाइल कॉपी करने को, ऑनेस्टली उन्हें फिल्म पसंद आई, एंड ही मेड अ फोन कॉल टू मी. तो एक्चुअली मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात हुई है दैट पीपल हु आई लुक अप टू, जैसे मंसूर खान, राजू हिरानी, कबीर खान, देव कॉल्ड मी अप, एंड करण जौहर, एंड देव कॉल्ड मी अप, एंड सच नाइस थिंग्स. सो आई एम एक्चुअली वेरी ओवर. ज़ायरा, आपके दोनों से सवाल है कि आप दोनों का फिल्म में बेस्ट मोमेंट कौन सा है, ज़ायरा आपसे पूछो, आप लोगों का पर्सनल फेवरेट मोमेंट फिल्म में. मेरे लिए तो मुश्किल है ऐसे बताना, मेरे लिए पूरी फिल्म ही एक पूरा मोमेंट है फिल्म. आई थिंक जब ज़ायरा टर्न्स अराउंड एंड गिव्स आमिर सर अ हग, you know, because जो आमिर सर और ज़ायरा का कैरेक्टर है, द डायनामिक, यू नो दैट रियली इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ द फिल्म, यू नो, बिकॉज दंगल में एक तरह का डायनामिक था, एंड एवरी वन हैड लव्ड आमिर सर एंड ज़ायरा टुगेदर, द केमिस्ट्री इन दंगल. तो उसके बाद टू कम अप लाइक अनदर, यू नो, डायनामिक, द केमिस्ट्री दैट्स वर्किंग इन माई फिल्म, जो उसमें देख के बहुत मज़ा आता है. Yeah. Everywhere appraisals and all. You know, even after releasing across a film like Goldman, it's a mass entertainment. So, what is your take on this? And what are your feelings? Yeah, honestly, मेरी पहली picture है. तो I thought was very exciting कि मेरी पहली picture release हो रही है. ऊपर से रोहित शेट्टी के सामने आ रही है, उसमें वो 25-50 hit दे चुके हैं वो. And his success rate is amazing. You know, so for me, it's a very big deal that my film is releasing with Rohit Shetty's film that is doing well. In fact, we've recovered our cost on our weekend, you know. So I'm feeling very happy, and अच्छा ही जा रहा है यार सब. जरा एक ऐसी डिश, क्योंकि बर्थडे पूछना चाहूँगा, एक ऐसी डिश जो पूरी हो कभी लाइफ में आपने सोचा होगा जो बाकी रहे. I would love to work with him again. आपका ड्रीम रोल क्या है, अगर हम आपसे पूछे कि एक रोल आपने बड़ा चाहते हो, एक ड्रीम रोल आपका? चिकन रोल. अच्छा, एक आप जरा वेटिंग टू वॉच दिस फिल्म अगेन अगेन, जरा दो लाइनें अगर आप गुनगुना दें तो उसको हम लोग एंड कर सकते हैं. नहीं नहीं, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, सीक्रेट फिल्म बर्बाद हो जाएगी, कोई नहीं जाएगा देख. एनी पर्टिकुलर वेन्यू ऑडियंस रिएक्ट किया आपने, एनी पर्टिकुलर किसी ने
कुछ आपसे कहा होगा, कोई मैसेज दिया होगा, वेरी यू नो लाइक अ लाइफ टाइम मेमोरी कुछ से है? मेरे पेरेंट्स के साथ मैं जब देखने गई, जब कास्टिंग क्रू की स्क्रीनिंग थी तो पापा फिल्म देख रहे थे, पापा मम्मा दोनों साथ में बैठ के देख रहे थे और मैं उनसे दूर जाके बैठ गई थी और मैं जब फिल्म ख़त्म होगी तो उससे पहले मैं बाहर आ गई एंड आई वॉज मीटिंग पीपल और मुझे मेरी कज़न आई हुई थी और मेरे भाई ने बताया था पापा वॉज क्राइंग थ्रू आउट द फिल्म और जब भी वो थिएटर से निकले ही हैड टियर्स इन हिज आईज, आई हैव नेवर सीन हिम क्राई, मैंने आज तक उनको ऐसे रोते हुए नहीं देखा है. He was crying and he came and he hugged me and he kissed me on my forehead. So that one thing I'm going to remember. वो मेरे लिए best compliment. तो कभी ऐसी कोई बात हुई है to really relate to your real life or somewhere at some point of time your dad must have felt like you must have felt he आप relate करो film से. फिल्म्स एक्चुअली मैं नहीं रिलेट कर सकती बट ऐसा कोई चिंतन टाइप कैरेक्टर जो आपकी लाइफ में हो जिससे आप रिलेट कर सकती हैं? कौन है वो ज़ायरा? मुझे अब समझ आया क्या बोल रहे हो. बट यस्टरडे आई वाज सिटिंग विद मम्मा एंड शी वाज टेलिंग मी कि तू वैसी ही है जैसी फिल्म में. अच्छा, सो नेचुरल एक्टिंग करी तू. थैंक यू. अरे भाई टेबल हटा दो, टेबल हटा दो, कोई अरे केक नहीं मिला हम लोगों को खिलाते हुए. एक्सक्यूज मी.